हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल के बीच ही आस्था दिखाने यूपी के दो मंत्री हरिद्वार पहुंच गए। आस्था दिखाई, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाकर हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर सिद्ध पीठ के सामने आया ये वीडियो सवाल उठा रहा है कि जब माननीय ही कानून नहीं मानेंगे तो बाकी लोग क्या मानेंगे। ये साहब जो नीचे बैठे सफेद कपड़ों में भजन गा रहे हैं, ये बेहद जिम्मेदार शख्स हैं। यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। नाम है कपिल देव अग्रवाल। इनके ठीक पीछे पीले कपड़ों में भजन पर तालियां बजा रहे ये भी जिम्मेदार शख्स हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ ने राजस्व और आपदा प्रबंधन का प्रभार दिया है। इनका नाम है विजय कश्यप। लेकिन जरा देखिए आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले शख्स को, आपदा की घड़ी में कितना गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। इस फ्रेम में दो गज की दूरी में 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। भक्ति में ऐसे डूबे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। 12 में से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता। पूरे वीडियो में बस एक शख्स के चेहरे पर मास्क दिखाई देता है। आम आदमी क्यों ना करें, जब मंत्री ही कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हो। अब जरा मंत्री कपिल देव अग्रवाल से ही सुन लीजिए कोरोना भगाने का उनके पास क्या प्लान है। देख, कोरोना क्षणिक है, कुछ समय के लिए संकट समाज में आया है, टल जाएगा। लेकिन हमने मां भगवती से प्रार्थना की है कि पूरे देश और दुनिया के अंदर जो महामारी के रूप में आया है, निश्चित रूप से मां भगवती कृपा हम सब पर होगी और ये कोरोना बहुत जल्दी इस पूरे देश से भी, प्रदेश से भी और देश दुनिया से भी हम सब इससे मुक्त हो। जब सब कुछ भगवान भरोसे ही होना है तो क्या जरूरत है लॉकडाउन की और क्या जरूरत है काम धंधे बंद करने की। जाहिर है मंत्री जी की आस्था हो सकती है, पर ये राय वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है। कोरोना से बचने के लिए मास्क और दो गज की दूरी जरूरी है, वरना याद रखिएगा कोरोना न संतरी देखता है और न ही मंत्री देखता है।